Assalamualaikum. कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। फिर रिसेंटली होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स हमेशा खबरों में रही, हम देखते रहे और अपनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान भी लाइमलाइट में रहा, जिसकी खास वजह हमारे दो ऐसे पाकिस्तान का फख्र था, यानी कि हम जानते हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट जिनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं, नू दस्तगीर भट्ट साहब। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम, आफताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, और डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्त साहब। और आप कौन है? मैं भी एक वेट लिफ्टर हूं जनाब डॉक्टर साहब। वेट लिफ्टर है? हाँ जी, मैं भी जाना सी कॉमनवेल्थ। अच्छा, लेकिन मेरी सिफारिश कोई नहीं सी। अरे अगर तुम चले जाते मैं धूड़ा पुट देनी सी, आज तुम मुबारक मैं दे रहे होना सी। अच्छा जी, इससे पहले कि आप अपनी यावा गोई जारी रखें, मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करूंगा। भट्ट साहब, आपका शुक्रिया अदा करके आपने हमारे लिए इस प्राइड का एहतमाम किया, हमारे लिए फख्र का वसीला बने आप जब हमें अशद ज़रूरत थी। हम इस वक्त लोएस्ट एब को टच कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि रहमत का फरिश्ता बना के आप दोनों को अल्लाह ताला ने भेजा, और मैं महसूस कर सकता हूं शायद ये नहीं करेंगे ये भाई साहब जो हैं। मेरे सिर से बाला बजा नहीं, ये तुम बेतुकी बातें कर बजाय उनका शुक्रिया अदा करने के, तुम्हें इस बात पे ओएमसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम कितने बड़े आदमी के साथ बैठे हो। हाँ जी, वो तो लग भी रहे बट साहब जड़ियाँ प्लेटा तो चुकी हो गई। ये क्या सवाल था? इतना बड़ा वेट चुकना बंदा दे वो था। इतना जबरदस्त वेट था। हाँ जी, कि इनका मद्दे मुकाबल यहां तक नहीं ला सका। इतने रखे हो एंड वो वजह है, वो तो लगा और भाग गया। मेरा ख्याल है अभी तक टकोर कर रहा होगा वो। सही गल है। मैं उसको रिडिक्यूल नहीं कर रहा, उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन बात यह है कि भट्ट साहब ने जब उठाया ना, भट्ट जी आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए मैंने आपके बारे में ये कहा था कि भाईजान किस कदर खुदकुशी पर उतरे हुए हैं, ये इस तरह इतना वेट उठाकर, और आपने बाकायदा स्टे किया था उसके ऊपर। अनयूजुअल स्टे था, आप उससे पहले भी गिरा देते, आपका टाइम पूरा था। ऐसा ही है ना? जी ऐसे ही बिल्कुल। और कमाल का था वो, मतलब है हमें जेवलिन थ्रो पे भी बहुत खुशी है, बड़ी प्राइड है हमारी। वो नौजवान उसने भी लुत्फ दे दिया और याद रखा जाएगा फॉरएवर। लेकिन जो काम आपने किया है ना, अब लगता ही है कि आपका अगला कदम जो है वो ओलंपिक्स में होना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए जी, इस मेकिंग में जी, ये जो आपने एक शानदार एक इमारत कायम की है जी, जो हमारे लिए प्राइड का बायस है, इससे टाइम कितना लगा और किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? और इनके फादर भी जो हैं वेट लिफ्टर हैं, इनके कोच भी हैं वो जी। जब मैं 12 साल का था और मेरा छोटा भाई भी वेट लिफ्टर है, हम वो 8 साल का था, मैं 12 साल का था जब हमने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, और तकरीबन ये 13-14 साल की जर्नी है जिसमें हमने कई मुश्किलें देखी हैं, कई कुर्बानियाँ दी हैं, और उसके बाद फिर जाके हम इस मेडल तक पहुँचे। अच्छा जी, कुर्बानियाँ तो पहले बताएं ना कि फाइनेंशियली ये बड़ा मुश्किल काम कहा जाता है। फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत स्ट्रांग थे पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती गवर्नमेंट की तरफ से, तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमारे होटल्स वगैरह थे, कुछ शॉप्स थी शूज़ शॉप, तो वो सेल करते करते, क्योंकि हमारे वाले साहब का शौक़ था ये कि हम जो है इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए मेडल लें, और वो खुद वेट लिफ्टर रहे हैं क्योंकि वो खुद उस लेवल पर नहीं जा पाए क्योंकि उनको फैसिलिटी उस तरह नहीं मिली, तो वो उन्होंने जो शौक है हमारे जरिए जो पूरा करना चाहा। तो ये थ्रू आउट आपका सेल्फ फाइनेंस था, आपको कभी किसी किस्म की सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं? जैसे कि कॉम्पिटिशन होते हैं इंटरनेशनल, साउथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, अब साउथ एशियन गेम्स की जो प्राइज मनी है वो है 1 मिलियन जी। 1 मिलियन जी? 1 मिलियन रुपीज जी। तो 1 मिलियन इतना तो मैं मेरे से 3 महीने की तैयारी में लगा दूंगा। 1 महीने का खाना है। तो तुम कितना खा जाया करते थे? पाजी मैं तो मांग मुंग के खाना, मैं कटा वेट लिफ्टिंग करनी है। तो फिर हमें क्यों कह रहे थे, इतना क्यों डरा रहे थे कि मैं खुद बड़ा वेट लिफ्टर? पाजी मैं तो अनुकला 10 बैठा, असल से ना मैं पहले शॉप लिफ्टर सी। शॉप लिफ्टर भला कौन होता है? मैं शुक्ल से चोरी चोरी कर ली, लेकिन वेट मैं बढ़ा चुके हैं पाजी, 20 किलो वाली बोरी मैं चुक लेना।
आपने तो पेप्सी के डाले बहुत उठाए हुए हैं। ऐसे डाले मैं चुक लेना भरे खाली इधर भरे उते और मैं कितों किसी अच्छा मोबाइल लभ जाए वो भी चुक लेना। मैक्सिमम वेट कितना चुके है? नहीं तुसी वेट वाइज पूछ रहे हो या ओदी वर्थ पूछ रहे हो? चलो वर्थ भी दस दियो लेकिन मैं वेट वाइज पूछ। एक बार मैं 5 लाख का छापर चुक लिया सी। फिर की फड़िया गया उथे बैठ के गिनन लग पया एक बाफे तानू पता मैं भी गुस्से वाला बड़ा उन्होंने फिर जदों मैनू फड़िया ओ जूद फेरे ने ओ जूद फेरे किसको मुझको और किसको। मैं एक दिन मैडल लेके आना भाजी गोल्ड मैडल जिवें बाट साहब ने नहीं चुकया वड्डा वजन। कभी शक्ल देखी है अपनी? ये शक्ल दा काम नहीं होता ताकत दा काम होता। अच्छा लेकिन बात कर रहे दोने वो बड़ी अहम बात बता रहे थे। इसमें लगा तीन बंदे बैठे माशाल्लाह कहते हैं नजर ना लगा देना। मैं तो आने ही माशाल्लाह किया सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है मैंने भट्ट साहब को देखते ही क्या कहा था जब भट्ट साहब चलते हुए जा रहे थे ना हाँ जी पता नहीं नारे लगा रहे थे या क्या कर रहे थे जब वो कॉरिडोर में से गुजर रहे थे तो मैं यूं कर रहा था यूं। अच्छा जी बताएं वो चैलेंजेस वो प्रॉब्लम्स जो हैं 1,000,000 प्राइज मनी है और वो वाकई 2-3 महीने से ज्यादा तो आपकी ट्रेनिंग का मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। जब वो प्राइज मिली थी ना मुझे तब हम थे एक टाउन में हम रहते थे पहले हम उस टाउन से किराए के घर में आए किराए के घर से हम एक टाइम हमने ये भी देखा कि एक कमरे का घर था और एक टीवी लॉन्च था और एक बाथरूम था जिसमें हम पूरी फैमिली रह रही थी। कितने बहन भाई? हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं 3 बहनें हैं 2 भाई हैं। जो इतने छोटी सी जगह पर? हाँ जी इतनी छोटी जगह। और फिर वो जो 10 लाख मिले फिर हमने उससे दोबारा अपना एक घर जो है बिल्ड किया और इवन के हमारे पास जिम भी नहीं था जिम भी हमने अपना खुद बनाया हुआ घर के अंदर तो अच्छा। उसके ऊपर ही हम जो थे अंदर ही ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और जिम के ऊपर जो फ्लोर है वो मेरा रूम है मतलब मैं वहाँ से उठता हूँ ट्रेनिंग नीचे करता हूँ और ऊपर दोबारा वापस चला जाता हूँ। ना हमारे पास जिम फैसिलिटी है ना हमारे पास डॉक्टर की कोई फैसिलिटी है। इस वक्त भी नहीं है? नहीं इस वक्त भी इवन कि कॉमनवेल्थ गेम एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है हमारे साथ वो डॉक्टर जो जाते हैं जिनसे हमारी पहले कभी मुलाकात भी नहीं होती ना हम उनको जानते हैं और वो वहाँ पर जाके हॉलीडेज मना रहे होते हैं। स्लिप होने वाले डॉक्टर नहीं थे मैं भाई स्लिप हो जाएगा बाकी वो एक्सकर्शन पे जाते हैं बिल्कुल किसी ने वरी नहीं किया होगा नहीं बिल्कुल। और उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी नहीं होती ना ये तो एक खास शोभा है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। और जहाँ आपने इतनी वेट लिफ्टिंग करनी है आपने अपनी बैकबोन का बहुत ख्याल रखना है जी बिल्कुल। तो इस तरह के कभी इंजरीज का सामना हुआ? बहुत ज्यादा इवन के जो लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स गुजरी है मैं वहाँ पे जो सिल्वर मेडल हुआ है और ब्रॉन्ज मेडल हुआ है मैं उनको बीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा 2018 में एशियन गेम्स पे और जूनियर वर्ल्ड पे मैं उन्हें बीट कर चुका हुआ था वो वहाँ पे सिल्वर और ब्रॉन्ज हुए हैं। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं जा पाया क्योंकि मैं इंजरी में था मेरे पर रिकवरी ना मुझे किसी फेडरेशन ना कुमती सदा पे कोई डॉक्टर मिल सकता था कि मैं अपनी इंजरी को रिकवर करूँ। और उसके बाद भी जो रिकवरी की है वो मेरे फादर ने और हमने देसी टोटकों पर की है वो भी उसके बाद हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। थी मेरी बैक का भी इशू हुआ था मेरे नी का भी इशू था और मेरे मसल ब्रेक हो गए थे थाई के मतलब लाइक फट जाते हैं मसल वो फट गए थे। और फिर उसके बाद मैं उस ओलंपिक्स में नहीं जा पाए तो ये जो मेडल जो ओलंपिक्स के लिए जा रही थी तब आ चुका होता 2 साल पहले। अच्छा ये बताएं कि ये जो इवेंट फाइनल आपने किया जी उससे कोई इंजरी विंजरी कोई हुई? इंजरी अगर होती तो आप लिफ्ट नहीं बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप नहीं बाद में कुछ एहसास होता है ना कि इससे मेरा कोई लिगामेंट कोई टूट गई या वेट लिफ्टिंग में इसने कि अगर आपको कोई इंजरी होगी आपको फौरी तौर पर उसी वक्त आप कुछ भी नहीं करेंगे मेरे नाखून के हिल जाए तो मैं आई थिंक ग्रिप नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे मतलब इतना नाजुक है कि अगर हमें कोई भी चीज़ मतलब क्योंकि हमने पूरी बॉडी को यूज़ करना है। अच्छा मतलब आप बिल्कुल हशाश बशाश रहे इजी रहे। हाँ जी बिल्कुल पहले ट्रेनिंग की थी ना इस वजह से कमाल है। और इससे ज़्यादा भी उठाया हुआ है आपने? जी मैंने ये कम बैक किया है। अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स में इससे पहले मैं 2018 में जब मैं 20 साल का था तब मैं 240 kg उठा चुका हुआ। ओके ये कितना था? ये 232 kg था। अच्छा 240 यानी आप कर चुके हैं ऑलरेडी कर। अच्छा इस वक्त भी आपके पास अपना जिम नहीं है? जी नहीं मैं अभी भी उसी घर में हूँ जो हमने। अच्छा वहीं पे करते हैं जी और मैं वहीं पे अभी भी जब मैं वापस आऊँ मैं वहीं पे गया हूँ। कोई प्रॉपर जिम अब तक नहीं है? नहीं प्रॉपर जिम नहीं हमारे पास नहीं। तो इसका प्राइस मनी क्या था? इसका 5 million जो कि 2004-05-06 से चलता आ रहा है। हमारे जो पहले वे लिफ्टर थे शुजाउद्दीन मलिक जब वो उन्होंने विन किया था तब 5 million मिला था तो आई थिंक अब तो 5 million में मिलता है गाड़ी भी नहीं आती अब गाड़ी 5 million आपको बस सिर्फ 5 million दिया गया? नहीं अभी वो भी मिला नहीं अनाउंस किया गया।
ज़ाहिर है, लेकिन वो तो कॉमनवेल्थ ने देना है। हाँ, नहीं नहीं, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमारा देगा। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या दिया? वेल डन बट सर, वेल डन बट सर, बस इतना ही। अच्छा जी, परवेज इलाही साहब से तो हम गुजारिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको कम से कम पंजाब गवर्नमेंट 2 मिलियन देगी इंशाल्लाह। आई एम श्योर नहीं देगी तो हम लड़के लेके देंगे आपको। और शहबाज शरीफ के साथ मेरे कुछ ज़ाती मरासम इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं आपके लिए उनसे मांगूँ, उन्हें खुद सोचना चाहिए, बड़े कश्मीरी परस्त आदमी हैं। वेल डन बट साहब उन्होंने ही कहा था। अच्छा, उन्होंने बट हाँ जी, उन्होंने ट्वीट शहबाज शरीफ साहब जी, जी, जी। और नहीं, साथ उन्होंने ये भी कहा होगा कि असं अजकल बड़े हाजतमंद हैं, जो थोड़े पल्ले जो कुछ है, बल्कि जो लैके आए हो अद्धे सन दे। मैडल जो गोल्ड मैडल है भाई, वो तुम मिल गया जो जमा कराता? नहीं नहीं, मेरे पास ही। मैं केपी गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि अब देखो ना, कितने अफसोस की बात है कि इनसे ये कहना पड़ता है कि जो हुब तौफीक हो, जैसे हम खैरात मांग रहे हैं कि आपकी प्राइड एक शख्स बहाल कर रहा है, वो प्राइड जो रॉक बॉटम को हिट कर चुकी है और हालात इस कदर बुरे हैं, इस कदर दगरगू हैं कि आज का आपका जीता हुआ और हमारे उस जेवलन वाले भाईजान, क्या नाम है उनका, अरशद नदीम की एफर्ट। यार किसी दिन बिलाल साहब अरशद नदीम साहब को भी बुलाएं, इन दोनों ने, ये ब्रीदर था यूं समझिए, कोरोना में मुबतला कौम को इन्होंने वेंटिलेटर फराहम किया। बेशक, तो ये मिनिमम है जो हम कर सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट भी, केपी गवर्नमेंट भी ये कुछ करे, फेडरल गवर्नमेंट फेडरल भी करे, अगर कर सकती है तो करे। इसके अलावा मैं एक कैंपेन आज से लॉन्च कर रहा हूँ प्राइवेट इदारों की तरफ से आपकी मदद जो है ना, ऐसा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी खिदमत कर सकें, टू बिगिन विद, आज दूसरों से तो हम बाद में बात करेंगे, इट बिगिंस एट होम। मैं पहला चंक आपको 1,00,000 रुपया अपनी तरफ से पेश कर रहा हूँ, जो ये बिल्कुल तय नहीं था, सोचा नहीं था हमने, लेकिन इंशाल्लाह इसमें अल्लाह इतनी बरकत डालेगा, आप देखेंगे कि थोड़े को संभालियान जाना, तुम काफ़ी सर संदेह हो इंशाल्लाह। मैंने भी को 30-35 दे दो। मैं नहीं देने, कोई गल नहीं, मैं आप ही चुक लांगा। अच्छा जी, मैं अपने चैनल से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि अलीम खान इज अ वेरी जेनरस मैन, अ वेरी जेनरस रिच मैन, क्योंकि बंदा जितना अमीर होता है जेनरोसिटी उससे उतनी दूर होती है, और आपने देखा कि उसने हमेशा स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ासतौर पर क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्सेशन है मौसूफ का, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह वो भी कुछ सिलसिला करेंगे। मैं zameen.com को भी सजेस्ट कर चुका हूँ, zameen.com बहुत शानदार इदारा है और इन चीज़ों को बहुत वो करता है, कॉरपोरेट अपना इमेज बरकरार रखता है। बट साहब ने तो जो करना कर दिया, अपनी इनिंग्स खेल दी, अल्लाह करे कि ये आगे भी गोल्ड मेडल्स ने, लेकिन इससे तहरीक मिलेगी नए आने वालों को, तो इंशाल्लाह अब रास्ता हमवार होता चला जाएगा। बट साहब, मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी प्राइड को कायम रखा। इंशाल्लाह तैयारी करें एशियन गेम्स की भी और ओलंपिक्स की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। अच्छा जी, ये बताएं कि एशियन गेम्स कब हो रही हैं? सर ये नेक्स्ट ईयर जो है अगस्त में चाइना में हो रही है एशियन गेम्स। अच्छा, ओके, तो ओलंपिक के बाद सेकेंड जो है सर मेगा इवेंट है। इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन जो है वो कौन है? सर वो जॉर्जिया के लाशा तलाकास्ती, उसने अब तक की मतलब जब से मतलब वेट लिफ्टिंग या स्पोर्ट्स आई हैं उसने अब तक का सबसे ज़्यादा जो है वेट लिफ्ट किया है। कितना किया है उसने वेट लिफ्ट किया है? 495 kgs, ये टोटल है। 500 मतलब ये दो इवेंट होते हैं उनको कंबाइन करके ये टोटल बनता है। अच्छा, ये तो ओवरऑल एड अप करके है ना, तो वन एट अ टाइम में मैक्सिमम कितना था? हमारी बेसिकली दो इवेंट होते हैं, स्नैच में उसने किया 225 kgs और क्लींजिंग में किया 265 kgs। अच्छा बट साहब, वैसे डाइट अपनी ज़रा बता ही दें कि क्या रूटीन डाइट क्या है? डाइट बेसिकली क्योंकि हम सप्लीमेंट्स और मेडिसिन वगैरह नहीं यूज़ करते, क्योंकि जो ओलंपिक्स के अंडर जो गेम्स आती हैं उसमें डोपिंग वगैरह होती है, उसमें आप ड्रग वगैरह इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, जो कि आमतौर पर हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं। सप्लीमेंट भी वही समझी जाती है? सप्लीमेंट मेरे फादर मुझे यूज़ नहीं करने देते, अगर मेरा इतना वेट है, इतना मतलब हैवी हूँ मैं अगर, तो इसकी वजह ये है कि मैं जो है नेचुरल डाइट पर चल रहा हूँ। अगर मैं वो डाइट लूँगा तो मैं पतला भी हो जाऊँगा, लेकिन उसका उसका ये होगा इशू कि अगली लाइफ में इश्यूज आएंगे मुझे,
मतलब जैसे कि अब लड़के अक्सर सुनते हैं यंग एज में हार्ट अटैक से उनकी जो है डेथ हो जाती है, तो इसलिए मेरे फादर जो हैं मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं मानते और वो बिल्कुल इस चीज़ को एग्री नहीं करते कि हम उस चीज़ को लें। क्या रूटीन ज़रा बताएं ना कि नाश्ता क्या है? मतलब आम दो लोगों से हट के हम लोग बाहर का खाना नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, हम मिर्च मसाले नहीं खाते, स्पाइसी नहीं खा सकते। हमारा दिन स्टार्ट होता है अंडों से, देसी अंडों से। स्पाइसी मिर्च मसाला जो है, मिर्च मसाला भी इवन कि नहीं, हम बिल्कुल सादा खाना लेते हैं। मिर्च मसाले से नुकसानात है? सॉल्ट से आपके जॉइंट्स जो है ना, जॉइंट्स पेन निकलती है, तो आप सॉल्ट नहीं ले सकते इतना ज़्यादा। तो मिर्चें भी मिर्चें से ये होता है कि क्योंकि ऑलरेडी हम गर्म चीज़ें इनटेक कर रहे होते हैं, तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। अच्छा। और ऊपर से हमारी गेम भी कुछ ऐसी वेट लिफ्टिंग है, उसमें जोर जमी लगता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो फिर शूट करने का चांसेस होता। अच्छा जी, देसी अंडे कितने? देसी अंडे लोग कहते हैं कि लोग मतलब पहलवान जो है 10-10, 12-12 खा लें, लेकिन इस तरह नहीं है। मैक्सिमम आप 4 अंडे ले सकते हैं, साथ आप ब्रेड ले सकते हैं, साथ आप दूध ले सकते हैं, मतलब आप ताकतवर जो जिससे हमें ताकत मिल सकती है हम वो चीज़ें इनटेक करते हैं। अच्छा, 4 अंडे तो बिल्कुल मामूली चीज़ है ना? हमारा मील्स होता है ना, हमारा ये नहीं होता कि ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर, इस तरह नहीं होता। हमारा हर 2 घंटे बाद हमने मेल लेना होता है कि बॉडी हमें हम इनटेक करते रहें थोड़ा 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 करके प्रोटीन को इनटेक, क्योंकि एक अगर मैंने 1000 प्रोटीन कैलरीज पूरी करनी है तो मुझे वो एक बार में तो नहीं खा सकता मैं, वो पेट भर जाएगा, बैठा रहूँगा फिर, वो हमें इनटेक करना पड़ता है थोड़ी 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 कैलरीज करके। अच्छा, गोश्त कितना खाते हैं और किस तरीके से गोश्त कुक कैसे करते हैं? गोश्त बेसिकली हमारा बनता है इस तरह कि भुना हुआ या बॉयल या ग्रिल, उस तरह करके हम खाते हैं। हम वो मसालों में या कढ़ाइयाँ जो होती हैं वो चीज़ नहीं बनती हमारी। एट अ टाइम कितना खा लेते हैं आप? तो मैक्सिमम बहुत भी इंसान मतलब 5 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। 5 kg भी ज्यादा है? नहीं, आधा किलो बहुत मुश्किल से। आधा किलो नहीं, खा कितना सकते हैं? मैं ये नहीं कि आपको इजाजत है, आपको मैक्सिमम अपना बता रहा हूँ कैपेसिटी कितनी। मैं 2 रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। ओह, देखो ना, ये है इंटरेस्टिंग बात। यानी बॉडी डिसिप्लिन्ड है, बॉडी इससे ज्यादा ले ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हर थोड़े बाद खाते हैं ना, आपका स्टमक साइज बड़ा नहीं होता, प्लस ये कि उसको बेस्ट चर्निंग की आदत पड़ी रहती है, उसके मसल स्ट्रांग होते हैं। मैं अगर इस तरह थोड़ा हैवी हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं बट भी हूँ, तो वो हमारा खानदानी स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का। नहीं तो वो जो शौकीनी है बट साहब, वो जो चीजों की वो फिर दरगुजर करते हैं, नहीं खाते। हमारे फादर जो है पावे शावे ये वो नहीं, पावे वगैरह चलते हैं लेकिन वीक में एक बार, रोज के रोज नहीं। पसंदीदा चीज क्या है? हरीसा खाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्यों जी? क्योंकि कश्मीरी डिश है ये सारी, पाए हो गया, हरीसा हो गया। हाँ जी। और चले, नेक्स्ट टाइम अगर सर्दियों में आप हमारे यहाँ आएंगे जी, तो हम आपको आपकी लाइफ का बेस्ट हरीसा खिलाएंगे इसी प्रेमिसेस पे, इंशाल्लाह। तुझी बड़ साहब सही कहा ना कि 2 रोटियां, मतलब मैं थोड़ी दावत करा तो मेरे लांबे ले जा। बेचारा डरते डरते गारंटी कि मैं ये जुर्रत करने लगा हूं। कोई बात नहीं बब्बू, रोटियां दोंगी, बाकी सब कुछ होगा। आधा किलो गोश्त मैं भी खा जाना है। भट्ट साहब का जो मोटो है ना, वो मॉडरेशन है, इतदाल, हर चीज खाएं लेकिन इतदाल में रह के। अर्जी उम्र की नहीं अपनी? 23 साल 23 years, माशाल्लाह। अच्छा जी, हम साथ साथ कसौटी वाला सिलसिला भी शुरू करें जी। FSJ Zoom पर हमारे साथ मौजूद है। FSJ, पहली शख्सियत की तरफ हम जा रहे हैं जी। I am ready। अपने पैट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अमजद वट्टू है और मेरे साथ मेरे भाई हैं डॉक्टर अरशद जी। वट्टू साहब, वेलकम टू द शो। सर बहुत शुक्रिया। ये बताए वट्टू साहब, मेरे जाती दोस्त भी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़ी पुरानी दोस्ती है हमारी। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? नहीं जी, औरत। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? जी हाँ। एक एशियाई खातून जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक जनूबी एशिया से? जी हाँ। पाकिस्तान से? नहीं जी। इंडिया से? जी हाँ। ओबा, आप ग्रेवयार्ड पे जाइए, फिर हम डिटरमिन करेंगे। डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी हाँ। 1972 से पहले? 100 साल से भी ज्यादा? हाँ जी। 1922 से पहले? ओके। डॉक्टर साहब, 200 साल से भी ज्यादा? जी हाँ। 1822 से पहले?
एक मुगलिया दौर की खातून लगती है या सलातीन दिल्ली का जब रजिया सुल्ताना कम्स टू माइंड. रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, नॉट रजिया सुल्ताना. रजिया सुल्तान भी हैं, मुमताज महल भी हैं, नूर जहान भी हैं, जोधाबाई भी हैं. जोधाबाई हो चुकी हैं. ज़ेबुन्निसा, ज़ेबुन्निसा भी हो सकती है, औरंगजेब की बेटी. मेहरुन्निसा नूर जहां. 16वीं सदी पे जाएं या ये कहें कि मुगल दौर की कोई शख्सियत. आप ये क्यों नहीं करते उस एरा को पहले डिटरमिन कर लें. मुगल दौर तो बाद में कर लेंगे. इंतकाल को इतना अरसा हो चुका है, 500 साल पे जाएं या पहले तो उसमें जाएं ना सियासत और हुकूमत पे. नहीं सर नहीं, वो तो सियासत और हुकूमत ही होगा. सियासत और हुकूमत के अलावा भी को हो सकता है. और अच्छा, दाई अंगा भी हो सकती है, जो दाया थी अकबर की. अच्छा जी, मुगलिया दौर पूछना पड़ेगा. ये मेरा ख्याल है उससे कुछ जी डॉक्टर साहब हो जाएगा. डॉक्टर साहब, ताल्लुक मुगलिया दौर से है? नहीं जी. 10 सवाल. मुगलिया दौर के बाद की शख्सियत है? नहीं जी. आप जाएं सीधा स्लेव डायनेस्टी पे. ताल्लुक खानदान गुलामा से है? जी हाँ. अलतुतमिश के घराने से है? जी जी. मलिक अलतूनिया की अहलिया पूछी आपने? जी जी. रजिया सुल्तान. जी वाह वाह. जी तो अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अंजुम. अंजुम साहब, आपके साथ कौन है? छोटे भाई हैं जी. जी अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है. Okay. अच्छा जी, ताल्लुक आपका लाहौर से है? जी. शख्सियत मर्द है? जी. जिंदा? जी. एशियाई? जी. जनूबी एशिया से ताल्लुक? जी. पाकिस्तानी? जी. एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा है, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी नहीं. इल्म व फजल से? जी नहीं सर. शोबिज़ से? जी नहीं. स्पोर्ट से? जी नहीं सर. अब वो जितने यस थे उतने नो हो गए. यही दिलचस्प बात है इनकी शख्सियत में कि उसकी उसका एरिया नहीं डिटरमिन हो सकेगा. राइट. जर्नलिज्म, इल्म व फजल आ गया ना सर. इल्म व फजल से ताल्लुक नहीं है तो फिर जर्नलिज्म. उस दिन अगर आपको याद हो तो सिरिल अल्मेडा. जी जी. था और उसको हमने इल्म व फजल में नहीं देखा था. ताल्लुक अंजुम साहब मीडिया से? जी नहीं सर. 10 सवाल. एक तो रह गया आपका फिलैंथ्रोपी, एक रह गया आपका बिजनेस, एक आपका रह गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये तीन रह गए. एफएसजे कोई इनफेमस आदमी, नेगेटिव रिप्यूट एंड बिल्कुल दो अपोजिट चीजें. दूसरा फिलैंथ्रोपी. और फिलैंथ्रोपी इज लिंक्ड विद बिग बिजनेस. विद बिग बिजनेस नॉट नेसेसरली. वजह शोहरत बिग बिजनेस है? जी सर. ओके चलें, कुछ सिरा तो पकड़ाई दिया. बैंकिंग, डेवलपमेंट, होटल. अश्वानी साहब. अश्वानी साहब बैंकिंग है, होटल है, टेक्सटाइल्स है, 3-4 कंपनीज हैं बड़ी टेक्सटाइल के. इंटरलूप इज वन ऑफ देम. वैसे वो जो बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है वो बैंक्स के साथ रिलेटेड हैं. दोनों अपने अपने बैंक्स के साथ रिलेटेड हैं. अश्वानी, मियां मंशा, मलिक रियाज. मियां मंशा फिट्स द बिल. और सर परवेज का भी यूनाइटेड बैंक से ताल्लुक है. इनका एमसीबी से ताल्लुक है. इब्राहिम्स का एबीएल से ताल्लुक है. वो टेक्सटाइलर्स भी हैं. अब फील्ड डिटरमिन कर लिया जाए, क्या ख्याल है? जी जी. या शहर से किया जाए कि फैसलाबाद से कोई ताल्लुक. दो लोग कवर हो जाएंगे. हाँ, वो एलाइड बैंक है. एलाइड भी और एमसीबी भी. लेकिन जो बड़ी शख्सियत है वो मियां मंशा है. अच्छा अंजुम साहब, ये बताइए कि जब हम जनरल हायरार्की देखते हैं तो पाकिस्तान के बिग बिजनेसमैन में जो टॉप 10 में शुमार होता है इनका? जी सर. देखे ना, अब चीज बहुत आसान होगी. एंड टॉप ऑफ द लिस्ट इज मियां मंशा. मियां मंशा एंड बैंक ओनर है. ठीक है जी.
और अगर नहीं है तो फिर डेवलपर की तरफ, मेरा नहीं ख्याल कि उधर जाएंगे ये, यस होटल्स की तरफ जा सकते हैं। किसी बैंक के मालिक हैं? जी नहीं सर। ओके, होटल इंडस्ट्री नहीं, डेवलपर। पूछें जी हॉस्पिटैलिटी का पूछें। और अगर देखा जाए तो हाशवानी इज अ डेवलपर आल्सो। हां, बट ही इज नॉट रियली नोन फॉर डेवलपमेंट, इज नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी। हां यस। और बहुत से लोग ये पता कि वो ऑयल एक्सप्लोरेशन में ऑयल में है, यस, वहां से वो एग्जिट कर गए हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए? 13 क्वेश्चंस। अच्छा जी, इनकी वजह शोहरत एज अ लैंड डेवलपर है? जी सर। अब लैंड डेवलपर है जी? जी सर, ही सेज यस। एक तो हो गए मलिक रियाज जी, देयर इज नोबडी एल्स क्लोज टू हिम और वेल नोन। आपके दोस्त भी हैं दुनिया वाले, बट वो फिर नहीं, उनकी उनकी वजह शोहरत जो है वो एजुकेशन है। बेरिया फिट्स द बिल इंडीड। और मलिक रियाज ने आपको याद है कि CNN पे इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी 80% जो है एसेट्स अपने वो डोनेट कर दूंगा कौम को। एनी पेनी। अच्छा जी, ताल्लुक सियालकोट से पूछें फिर? MES से पूछें, MES कॉन्ट्रैक्टर। अंजुम साहब, ये साहब कभी MES कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं? जी सर। 15 सवाल, 15 क्वेश्चन। अच्छा, इनको मॉन्यूमेंट्स का बड़ा शौक है, कहीं जो है आईफिल टावर बना हुआ है, कहीं जो है वो फिनिक्स बना हुआ है, स्फिंक्स बना हुआ है, सॉरी इजिप्शियन स्फिंक्स कराची बेरिया में। नहीं सर, लाहौर में बहुत बड़ा आईफिल टावर है। अच्छा जी, एक जो बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल है कि अक्सर हुकूमतों के अदल बदल में अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के बाहमी रवाबत को उस्तवार करने में मौसूफ का नाम लिया जाता है, इज इट ट्रू? ये आपने मेरे से पूछा है सर? ये आप ही से पूछ रहा हूँ। जी सर। मेरा ख्याल है वी आर देयर। अंजुम साहब, ओरिजिनली ही कम्स फ्रॉम सियालकोट, इज इट ट्रू? जी सर। आपने मलिक रियाज पूछे। जी बिल्कुल। हाँ जी, बट साहब कसौटी का मजा ले रहे हो। जी जी, यानी कि 20 सवालों के विच इन्हां ने शख्सियत बुझनी होती है। और बट साहब, आपको पता है कि इस काम का वजन बहुत ज्यादा होता है। मुझे अपने जो मैं इवेंट करता हूँ मुझे उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर साद। जी साद साहब, आपके साथ कौन है? जी मेरी वाइफ है। ओके, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। एक एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? पाकिस्तान से भी है। आइए जी, ग्रेवयार्ड। साद साहब, इनकी वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। 1972 से पहले? 100 साल से। 100 साल से भी ज्यादा? नो सर। 1922 के बाद? और 75 का पूछा जाए? सुबह डिटरमिन करें। 75 will take you to 1947, I think. 47, या। चले कर ले। हाँ। 75 से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नो सर। 1947 से 1972 के दरमियान। बिल्कुल ठीक, चले। That means pre-partition. कोई ऐसा शख्स जो यहाँ से इंडिया चला गया हो? या इंडिया से यहाँ आ गया हो? शोबिज का ज्यादा चांस है, जो यहाँ से शख्सियात गई उधर। ताल्लुक शोबिज से है? नो सर। सियासत और हुकूमत से है? जी सर। FSJ, आपकी जो है ना पिक्चर भी स्टक हो गई हुई है और आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, इसलिए पुअर कनेक्शन की वजह से हम थोड़ी देर के लिए ना ये कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम आपको फिर थोड़ी देर बाद कॉल कर लेंगे। सर, 10 सवाल हो चुके हैं। मुस्लिम पर्सनालिटी या हिंदू इस तरह से? उनका इंतकाल जिस इलाके में हुआ, क्या वो आज इंडिया में है? ये सवाल बनता ना। ओके, गो अहेड साद साहब। जी, उनका इंतकाल जिस इलाके में हुआ वो अब इंडिया में है? नो सर। ओके, फिर ये कहना कि पाकिस्तान से भी ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, अगर वो पाकिस्तानी नेशनल हैं तो फिर तो ये कहना बनता ही नहीं कि पाकिस्तान से भी ताल्लुक है। उसमें क्लेरिफिकेशन ये है कि मतलब प्री पार्टीशन की जो है बात की थी ना? नहीं, मतलब नहीं, वो प्री पार्टीशन और बात है। देखें,
अगर पाकिस्तान बनने के बाद ही चोज पाकिस्तान then he's a पाकिस्तानी. पाकिस्तानी. If he chose India, he's an Indian. नहीं, पाकिस्तानी है. तो फिर तो ये कहना कि पाकिस्तान से भी है, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है. मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन चले अब हमारे सारे सवाल वापस कीजिए. नो कोई वापस नहीं. इट्स ओके. कितने क्वेश्चन हैं डॉक्टर साहब? 11 क्वेश्चन. ताल्लुक सूबे से? सूबे पे मोस्ट प्रोबेबली चाहिए. ताल्लुक सिंध से? नो सर. पंजाब से ताल्लुक? जी सर. अच्छा जी, पंजाब से ताल्लुक. देखो हाथ से ना निकल जाए. नहीं नहीं, आई होप नॉट. कितने सवाल हुए? 13 क्वेश्चंस. ममदोट साहब जो पहले चीफ मिनिस्टर थे पाकिस्तान बनने के बाद, और उससे पहले थे टिवाणा साहब, ही आल्सो डाइड इन दैट पीरियड. टिवाणा साहब डाइड इन 60. डिड ही डाई लेटर? मच लेटर. 63 62 63. नहीं, इनका तो जो पीरियड है 72 से पहले है ना. जी सर. बिटवीन 47 एंड 72. हाँ, तो फिर ही टिवाणा फिट्स द बिल, ममदोट फिट्स द बिल, है कि नहीं? रियासत और हुकूमत से ताल्लुक तो फिर ये पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर रहे, रोज़ कानून भी रहे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी रहे. चलिए सवाल कीजिए साद साहब. जी. ये शख्सियत चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रही? नो सर. सरदार शौकत हयात, पहली बात तो ये सरदार शौकत हयात डाइड मच लेटर. यस यस. दूसरा उनका ये पूछना कि हम पाकिस्तान से भी ताल्लुक अटक से ताल्लुक था. पंजाब से ताल्लुक मियां इफ्तखारुद्दीन, आर दैट वेल नोन? सियासत के साथ? सियासत का तो था उनका, कांग्रेस में थे, फिर मुस्लिम लीग में आ गए, पंजाब में वजीर रहे कुछ अरसे के लिए और अ ब्रीफ पीरियड. नहीं, वो जो बड़ी गेम पॉलिटिकल जो है उसमें नहीं थे, बस टेयर ऑफ पॉलिटिक्स में थे. इसमें हम मिनिस्टर्स, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स पूछते हैं पंजाब के. अच्छा, हम नवाब ऑफ कालाबाग कर चुके हैं. ओके. साउथ पंजाब से देखें, नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक, क्या ख्याल है? साद साहब, इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था? जी सर. 15 क्वेश्चंस. नवाब सादिक मोस्ट प्रोबेबली वही है, रियासत बहावलपुर से. अच्छा जी, रियासत बहावलपुर से ताल्लुक था? जी सर. तालीमी इदारा है सादिक पब्लिक स्कूल उनके नाम, उनके नाम पे. वैसे तो लातादाद लैंडमार्क्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा भी है. जी सर. आपने नवाब सादिक पूछे हैं. जी सर. नवाब ऑफ बहावलपुर बहुत जेनरस, बहुत शानदार आदमी थे. पाकिस्तानी कौम हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी. और जो एक न्यू बॉर्न पाकिस्तानी रियासत थी जिसको ब्लड लाइन की शदीद ज़रूरत थी, उसकी ना सिर्फ इन्होंने मॉरल सपोर्ट की पाकिस्तान में शमूलियत के साथ, बल्कि फाइनेंशियली भी एक तवील अरसा तक पाकिस्तान की मदद करते रहे. इनके अंदर का रिफॉर्मर आपको इस बात से नज़र आएगा कि उस दौर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अगर किसी एक प्रिंसली स्टेट में था तो वो बहावलपुर थी. ये इवन हैदराबाद दक्कन को, तेलंगाना को बीट करती थी. दूसरा ये कि इरिगेशन के हवाले से भी ये बहुत इनोवेटिव थे, बहुत फ्यूचरिस्टिक थे. और एक तवील अरसा तक जो किचन ऑफ साउथ एशिया ये इलाका रहा, ग्रेन प्रोड्यूसिंग रियासत बहावलपुर रही, और कल्चरली इंतहाई रिच इलाका रियासत बहावलपुर का था. तो बुनियादी तौर पे वो नवाब साहब की ज़ाती दिलचस्पी, मिलान, शौक व शौक का मरहूने मिन्नत था. और उनको कंस्ट्रक्शन का भी बड़ा शौक था कि जब भी वो इंग्लैंड जाते थे, वहाँ कोई महल देखते थे तो अपने इंजीनियर्स को आके उसका नक्शा देते थे कि इस तरह का एक महल यहाँ भी बना दिया जाए. तो अगर आप बहावलपुर जाएं तो आपको बहुत से महलात नज़र आएंगे जिनके मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है इस वक्त. तो दे आर इन ए स्टेट ऑफ डिसरिपेयर मैनी ऑफ देम. तो अब चलते हैं अली अवैस की तरफ आज के गाने के लिए. आ मिल सजना फरियादों ने,
मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दां नू ठिकाना लब्या ऐ तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना असा सारा जमाना लबे आए तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लबे आए तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना असा सारा जमाना लबे आए तस्वीर बना के मैं तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं एक तो जो मेरे नाल नहीं तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं एक तो जो मेरे तेरी खातिर गलियां रुल गईयां दुनिया नू दीवाना लबे आए तू ना विछड़ के मिलियों चन सजना असा सारा जमाना लबे आए तस्वीर बना के